स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा। और दोस्तों फिर से हम लेकर आ गए हैं एक नया स्टॉक आपके लिए। आपने देखा ही होगा दोस्तों, आज है 19 मार्च और लगातार कुछ दिनों से निफ्टी में एक भयंकर गिरावट जो है हमें देखने को मिली थी। लेकिन यदि मैं बात करूँ आज की 19 मार्च की, तो थोड़ा बहुत एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें आज के दिन देखने को मिला। मार्केट में अच्छे सेंटिमेंट्स हमें देखने को आज के दिन मिले हैं। दोस्तों बिल्कुल आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का जो दिग्गज शेयर है वो ऑटो सेक्टर का एक लार्ज कैप माना जाता है और 1,06,000 करोड़ रुपीज़ की अच्छी खासी दिग्गज कंपनी हो जाती है। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल जी ने भी इसमें एक अच्छा खासा बाइंग का सजेशन हमें दिया है। तो हम बात कर रहे हैं नन अदर देन बजाज ऑटो के बारे में। दोस्तों बजाज ऑटो पर मोतीलाल ओसवाल जी अभी न्यूट्रल हैं और एक उन्होंने अच्छा खासा टारगेट जो बताया है वो बताया है इसका 3,875 रुपये। उन्होंने बताया जल्द ही ये 3,875 रुपये तक के लेवल जो है वो क्रॉस करता हुआ हमें दिखने वाला है। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम लगाते हैं इसका डेली चार्ट और देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। दोस्तों यदि हम इसका डेली चार्ट लगाते हैं तो साफ देखें तो एक इसने पहले हाई बनाया था, जो बनाया था 4,265 रुपये पर। उसके बाद से तो आपने देखा ही होगा क्या हाल हुआ है इसका, लगातार गिरते 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 ये पहुंच गया था करीबन 3,571 रुपये पर और एक स्ट्रांगली सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है 3,571 रुपये का प्राइस। और ये रेड बियरिश कैंडल जो आप लास्ट देख रहे हैं दोस्तों, यही इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारे हिसाब से। दोस्तों यही इसका सपोर्ट बना हुआ है और ये अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश करने वाला है। तो बिल्कुल यदि आप डेली चार्ट पर इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो दोस्तों हमारे हिसाब से यहां पर ही आपको स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए। और यदि हम बात करें इसकी वीकली कैंडल की, दोस्तों वीकली कैंडल जो है इसकी बियरिश बनी हुई है और बियरिश सेंटीमेंट्स इसमें बना हुआ है। यदि हम मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पर भी देखें दोस्तों, तो रेड जो कैंडल है लगातार मंथ की वो बनती हुई हमें दिखी। लेकिन यदि मैं बात करूं बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा खासा बाइंग का मौका भी बन रहा है, क्योंकि इस लेवल पर आपको ये शेयर जो है ये दिग्गज शेयर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो हमारे हिसाब से इसको यदि आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों ऐड नहीं किया हो तो ज़रूर आपको इस लेवल पर ऐड करना चाहिए। और ये शेयर जो है वो दिग्गज शेयरों में माना जाता है। लेकिन दोस्तों हम एक बात कहना चाहेंगे कि इसमें आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाकर काम करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाकर ही इसमें काम करें, क्योंकि टोटल पोर्टफोलियो को आप चाहें तो 5-10% इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको दोस्तों एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये शेयर जो है वो बनाकर देने वाला है। दोस्तों यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के जो भी अच्छे अच्छे शेयर्स होंगे, जो भी अच्छी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हम लाते रहेंगे आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।